नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, खरीफ के सीजन की शुरुआत होते ही बहुत जगहों पे सोयाबीन की खेती शुरू हो जाती है। इसकी डिमांड मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया में इसकी मार्केट प्राइस आप पता कर लीजिए, बहुत ही हाई रहती है। अभी आप सोयाबीन तेल की जो डिमांड है और इसकी मार्केट प्राइस आप देखेंगे हमेशा हाई रहती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली क्रॉप मानी जाती है। तो आपको सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे करनी है, इस विषय पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी के समय पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट निकल के आते हैं कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, शुरुआत के समय पे आपको उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है और बुआई से पहले कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो इस वीडियो में इन सभी विषयों पे बात करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी किसान भाई किसी भी एरिया में रहते हैं इंडिया के, अगर आप सोयाबीन की खेती करने का सोच रहे हैं तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। और आप सभी से निवेदन रहेगा, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए किसान भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी खेती के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या रहती है, बुआई का समय सबसे बेहतरीन कौन सा होता है। तो किसान भाइयों, जो जून का महीना आपका चल रहा है, इसके अंतिम सप्ताह से लेकर आप जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक इसकी आसानी से खेती कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई अलग अलग मेथड से खेती करते हैं। अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से खेती करना चाहते हैं तो उसके द्वारा आपको सीड ड्रिल वाली मशीन के उपयोग करने पड़ेंगे, उसमें आपको अलग से खर्चे लग जाएंगे। तो इसमें आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आप सीड ड्रिल का सहारा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से अपने फसल को बचा सकते हैं। बुआई के समय पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी, किसान भाइयों, जिस भी खेत में इसकी आप बुआई करने जा रहे हैं, ध्यान में रखें कि मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी बनी रहे, सतह से लेकर 10 सेंटीमीटर गहराई तक कम से कम नमी उसमें रहे, जिसके माध्यम से थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है जल्दी अंकुरण लेने में। उसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की खेती के लिए आपके यहाँ की भूमि कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, हल्की और रेतीली भूमि को छोड़कर आप सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं और इसमें आप अच्छी खेती निकाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ की दोमट मिट्टी है जिसका पीएच सामान्य रूप से 6 से लेकर 7.5 तक का है, उसके साथ ही ध्यान में रखें जिस भी खेत में आप बुआई करने जा रहे हैं वहाँ पे जल निकासी की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके खेत में पानी काफ़ी देर तक रुकता है तो आप उस खेत में इसकी खेती ना करें। अब मेन बात जो निकल के आती है सोयाबीन की खेती के लिए कि आपको भूमि की तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, जिस भी खेत में आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आपको उस खेत को अच्छी तरीके से 2-3 बार गहरी जुताई करवा देनी है और खेत को समतल कराते समय 2 टन गोबर की खाद और 2 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया साथ में मिला के 1 एकड़ खेती में अच्छी तरीके से बिखेर देना है। उसके बाद अच्छी तरीके से रोटावेटर चलवा के अपने खेत को समतल करवा लेना है और ध्यान रखिए बुआई से 1-1.5 महीने पहले कर दीजिए ताकि थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी आपके खेत में, जो फंगस वगैरह लगते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। इसके सबसे बेहतरीन जलवायु के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, जहाँ जिस एरिया में थोड़ी बहुत गर्मी रहती है और नम एरिया जहाँ पे है वहाँ पे आप इसकी अच्छी खेती निकाल सकते हैं। बेहतरीन टेम्परेचर की बात करें तो इस क्रॉप के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर माना जाता है 26°C से लेकर 32°C तक काफ़ी सूटेबल टेम्परेचर इसकी खेती के लिए रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आती है किसान भाइयों कि आपको कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सबसे हाइब्रिड जो किस्में हैं उनके नाम बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है JS 9560, JS 2034, JS 335, JS 9305, JS 9725, JS 2029, NRC 7, NRC 12 और NRC 86। ये जो कुछ हाइब्रिड किस्में आपको बताई हैं, अगर आपको नाम समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे नाम दे दूंगा। उसके अलावा अगर आपके आसपास कोई मार्केट नहीं है जहां से आप बीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो भारत एग्री कृषि डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं और ऐप के माध्यम से अपने घर पर इन सभी बीजों को डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो बीज का चुनाव करते समय किसान भाइयों, 1 एकड़ खेती के लिए आपको बीज की मात्रा में बता देता हूँ। तो जो भी किसान भाई छोटे किस्म वाले बीजों का चयन कर रहे हैं तो आपको लगभग 28 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप 1 एकड़ खेती करने जा रहे हैं। जो भी किसान भाई थोड़े मध्यम दाने वाले बीज का चयन करने जा रहे हैं तो आपको 32 किग्रा बीज की आवश्यकता पड़ेगी और जो किसान भाई थोड़े बड़े दाने वाले, जो बड़े दाने आती हैं सोयाबीन की बीज की, अगर आप वो चयन कर रहे हैं लगभग आपको
40 किलोग्राम एक एकड़ खेती के लिए बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों, बीज का चुनाव करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज निकल के आती है, आपको बीजों का उपचार कैसे करना है। तो इसके लिए दो विधि है, आपको रासायनिक विधि और जैविक विधि। दोनों विधि में क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। तो रासायनिक विधि से जो भी किसान भाई इसका उपचार करना चाहते हैं अपने बीजों को, कार्बन डेंजिंग 50% WP, ये आपको दवा बेबेस्टी नाम से उपलब्ध कराई गई है। इसकी आपको 2.5 ग्राम मात्रा लेनी है पर किलोग्राम बीज के हिसाब से। इसके साथ साथ आप एमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 1 ml दवा को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अपने बीज की प्रक्रिया करनी है। उसके बाद के समय अगर आप जैविक विधि से इसमें अपना बीज का उपचार करना चाहते हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा विडी 2.5 ml उसके साथ ही स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 2.5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से अपने बीज की प्रक्रिया करनी है। तो ये बात हो गई बीज प्रक्रिया आपको कैसे करनी है जैविक और रासायनिक विधि से। अब बीज प्रक्रिया करने के बाद आपको बुआई करनी है। बुआई करते समय इसमें डिस्टेंस जो आप अंतर देते हैं पौधों के बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है अच्छी पैदावार लेने के लिए। अगर आप कतार में लगा रहे हैं किसान भाइयों, तो आप कतार से कतार के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर ले सकते हैं और पौधों से पौधों की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर जरूर से रख लें। अगर आप चाहते हो कि आपके बीजों में अच्छा अंकुरण हो तो बीजों को कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई में ही इसकी बुआई करें। तो ये आपको बुआई में अंतर रखना है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, शुरुआत में आपको उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, MOP 25 किलोग्राम, उसके साथ साथ SSP 110 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, उसके साथ ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फॉस्फोरस सेल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के एक दिन पहले आपको अपने खेत में अच्छे तरीके से डाल देना है। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ वैज्ञानिक तरीके। अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो मैंने आपको सटीक जानकारी दे दी है कि कौन कौन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे बीज प्रक्रिया करनी चाहिए, कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, भूमि की तैयारी कैसी करनी चाहिए, उसके साथ ही आपको उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो ये था वीडियो सोयाबीन की खेती के बारे में। इसके अलावा प्लांट जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें कुछ फंगस वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं, उस समय भी आपको कौन कौन से खाद डालें उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।